योगी जी, एक हफ्ते से गांव में क्या गजब की रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है घर के बाहर इस तरीके से बारिश को होता हुआ देखकर। पिछले साल तो अपने गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, इस बार बहुत अच्छी बारिश हो गई। योगी जी, बारिश में तुम्हारे घर के बाहर बैठे क्या ऐसी बैठा ले रहोगे? मतलब मैं समझा नहीं मोदी जी, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसी बैठा ले रहोगे? बैठे ही हो तुम तो। ये भी कोई मेरे समझाने वाली बात है योगी जी? जाओ अंदर घर में, जाओ गर्मा गर्म सरसों के तेल में पकौड़े तल के ले आओ, जाओ लाओ, यहाँ बैठे बड़ा मजा आएगा बरसात में पकौड़े खाते भी। अरे मोदी जी, तुम तो जानते ही हो पिछली बार कितना भयंकर सूखा पड़ा था, उस सूखे में मेरी सरसों की फसल पैदा ही नहीं हुई, इसीलिए सरसों का तेल नहीं है घर पर, नहीं तो पकौड़े बना लाता, आपकी बात नहीं टालता मैं। वैसे योगी जी, बिना सरसों के तेल के खाना थोड़ी बनाते होगे अपने घर में। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं तुम्हारे घर में सरसों का तेल नहीं है। चलो एक प्याली सरसों का तेल मैं लेके आता हूँ, लेकिन पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे राहुल, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया, सरसों का तेल तो तुम ले आओगे एक प्याली, लेकिन पकौड़े तलने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, और चूल्हा जलाने के लिए मेरे पास लकड़ी भी नहीं है, बिना लकड़ी के पकौड़े कैसे तल जाएंगे? चलो भाई योगी जी, कोई बात नहीं है, लकड़ी का इंतजाम हम कर देते हैं। बारिश से पहले जंगल से मैं सूखी सूखी लकड़ी लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, वो लेके आ रहा हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो। अरे अखिलेश, मैं तो एक बात भूल ही गया, तुम चलो लकड़ी ले आओगे और राहुल तेल ले आएगा, लेकिन बेसन या आटा भी तो नहीं है जिससे पकौड़े तैयार होंगे। चलो इस बात की टेंशन मत लो योगी जी, अमित शाह जी की दुकान से मैं बेसन खरीद के ले आता हूँ, तुम पकौड़े बनाने की तैयारी करो, अंदर जाओ अपने घर में। चलो भाई कोई बात नहीं है, पकौड़ा बनाने की तैयारी करते, जाओ सारा सामान तुम लोगों ने जो कहा है लेके आओ, राहुल तुम सरसों का तेल लाओ, अखिलेश तुम लकड़ी लाओ, और केजरीवाल जी जाओ बेसन लेके आओ। अरे एक चीज और भूल गया, कल ही घर में नमक और मिर्ची खत्म हुई है, नमक मिर्ची के बगैर पकौड़े कैसे बनेंगे? अरे मैं तो समझ ही रहा था मेरा नंबर आने वाला है, जाओ तुम तैयारी करो भाई, हम भी नमक मिर्ची ले आते हैं अपने घर से। जब मोदी जी ने कह दी कि बरसात में पकौड़े खाना है तो खाना है, चाहे कुछ करना पड़े उसके लिए। इंस्पेक्टर साहब, यही तीनों वो बदमाश चोर हैं जो हमारे गांव के आसपास मंडराते रहते थे, बताओ इन्होंने हमारा पानी का मोटर ही चोरी कर लिया, इनको जरा सा भी डर नहीं लगा कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, इनके ऊपर ऐसा केस ला दो कि कम से कम ये 6 साल के लिए जेल जाए जब इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। योगी जी, सजा तो इनको होगी ही, लेकिन पहले ये तो पता कर ले कि अभी तक इन्होंने कितनी मोटर चोरी की है और क्या क्या चुराया है इन्होंने, उस हिसाब से इनके ऊपर FIR होगा और उसी हिसाब से इनके ऊपर सजा निर्धारित होगी। इंस्पेक्टर साहब, रात में अपने गन्ने की सिंचाई कर रहा था, ये लोग पता नहीं कहाँ से टहलते टहलते वहाँ पे पहुँच गए और मुझसे बोले बीड़ी पियोगे, मैंने बोला पिला दो, इन्होंने बीड़ी में पता नहीं क्या मुझको मिला के पिला दिया कि पीते ही मुझे नींद आ गई और ये मेरा मोटर खोल लिए, ये पीला वाला मोटर मेरा ही है। तेजस्वी जी, पुलिस बार बार अनाउंसमेंट करवाती रहती है कि किसी भी अनजान आदमी के हाथ का ना कुछ खाएं और ना कुछ पिए, लेकिन तुमसे रहा नहीं गया, तुम बीड़ी पी के ही माने और बीड़ी पी लिए तो मोटर चोरी करवा लिए। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बार तो मुझसे गलती हो ही गई है, लेकिन आगे से ये याद रखूंगा कि किसी के हाथ का ना कुछ खाऊंगा और ना कुछ पीऊंगा, बस मेरा मोटर मुझे वापसी करवा दो, मेरे गन्ने की सारी खेती सूखी जा रही है तो उसको सिंचाई करना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, तुम्हारा मोटर तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन तुम साइड बैठो, पहले इन चोरों से तो बात करूं। और नीली टी शर्ट वाले, तुम्हारा नाम क्या है ये बताओ, अब तक तुमने कितनी चोरियां की है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम मोदी है, मैंने इससे पहले अभी तक कोई चोरियां नहीं की, ये पहली चोरी की है और इसी में पकड़ा गया, चोरी भी मैंने मजबूरी में की है, कोई जानबूझ के नहीं की है। मजबूरी में की है? ऐसा क्या मजबूरी आ गई जो तुमको चोर बनना पड़ा और तुम चोरियां करने लग गए? अरे साहब, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी जरूरत ही नहीं पूरी होती है, कभी कुछ कहती है लेके आओ, कभी कुछ कहती है लेके आओ, अब जेब में पैसे रह नहीं गए थे, उसको खुश करने के लिए मैंने मोटर चोरी कर ली, मैंने सोचा था ये बेच के उसकी जरूरतें पूरी करूंगा, लेकिन उससे पहले ही पकड़ा गया। और तुमने क्यों चोरी करी, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है जो उसके चक्कर में तुमने चोरी करी, और तुम्हारा नाम क्या है पहले ये बताओ? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम राहुल गांधी है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं लड़कियों से कोसों दूर रहता हूँ, लड़कियों से बहुत डरता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला चलो पार्टी करते हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं चोरी करने चला इन लोगों के साथ। तो तुम इन लोगों के साथ जाओगे जेल भी, और पीली पैंट वाले, तुम्हारा क्या नाम है, तुमने क्यों चोरी कर ली, ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम्हारे पास?
इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अमित शाह है। मेरा दारू का पैसा खत्म हो गया था, दारू पीने की बहुत इच्छा हो रही थी। कई यार दोस्तों से पैसे मांगे पर किसी ने उधार दिए नहीं, तो मन हुआ चोरी कर लूं, इसीलिए चोरी किया है। तो भैया अब हम पुलिस वालों का भी मन है ना कि तुम लोगों को कम से कम 6 साल के लिए जेल भेजे, जब जाके हम लोगों की भी मन की तसल्ली होगी। वाह मोदी जी, क्या जुगाड़ बनाया है तुमने बताओ। मोटरसाइकिल को ही सवारी ढोने का यंत्र बना लिया है, वो भी एक एक साथ 20-20 सवारियां ढोने का। मोदी जी इतना बढ़िया जुगाड़ और इतना बढ़िया दिमाग लाते कहां से हो तुम भाई, समझ में नहीं आया आज तक हमें। केजरीवाल जी तुम मेरी दिमाग को समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि मैं मेरा दिमाग नहीं पूरा कंप्यूटर है, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे जुगाड़ पता नहीं कितने बना रखे हैं। अगर जो आदमी के पास दिमाग हो तो जंगल में वो भूखा नहीं रह सकता, वहां भी खाना बना के खा सकता है। ये बात तो तुमने सही कहा मोदी जी, अगर जो दिमाग है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। अगर जो दिमाग ही नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ मोदी जी, ये सारा पाइप तुम खरीद के लेके आए हो या खुद ही बनाए हो? केजरीवाल जी इस जुगाड़ का एक भी पार्ट मैं खरीद के नहीं लेके आया हूँ, सारा खुद मैं असेंबल करा हूँ, सारा खुद बनाया हूँ, ठीक है। लालू जी तुम बार बार धक्का क्यों मार रहे हो मुझे, पीछे होके नहीं बैठ सकते? जब देखो जब मुझसे चिपके जा रहे हो, अभी एक चपेट मारूंगी सारी आसकी बाजी नीचे उतर जाएगी, ठीक है, नहीं तो पीछे होके बैठ जाओ। अरे ममता जी मैं तुम्हें धक्के नहीं मार रहा हूँ, ये जुगाड़ ही इतना झटके खा रहा है कि बार बार तुमको धक्का लग रहा है, और तुम समझ रही हो मैं मार रहा हूँ। भाई मैं तुम्हें धक्का ओक्का नहीं मार रहा हूँ, ना मेरे सर पे आसकी का भूत सवार है, ठीक है। अरे मोदी जी थोड़ा आराम से चला लिया करो यार, बार बार झटका लग रहा है, मैं इनसे टच हो रहा हूँ, और कहीं ये मार ओर देंगी एक एक चपेट तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लालू जी तुम जुगाड़ में बैठे हो, जुगाड़ में थोड़ा बहुत झटका तो लगेगा ही, कोई लग्जरी कार में तो बैठे नहीं हो कि झटका नहीं लगेगा। और जब पीछे इतनी जगह खाली है तो तुम पीछे क्यों नहीं बैठते? ममता जी से जब सट के बैठोगे तो टच होगे, और जब टच होगे तो पिटोगे। अरे मोदी जी मैं पीछे ही बैठा था भाई, लेकिन ये जुगाड़ में इतने झटके लग रहे हैं कि मैं खिसकता हुआ आगे चला आता हूँ, और जब आगे आ जाता हूँ तो ममता दीदी से टच हो जाता हूँ। इस बात को लेके खुन्नक खाती हैं और पिटने के लिए कहती हैं। राहुल बेटा तू आगे बैठा हुआ मोदी जी को कस के पकड़ के बैठ जाइयो, झटके बहुत लग रहे हैं जुगाड़ में, कहीं गिर गिरा जाए तेरे नाक वो फूट जाए, फिर लेके चल के पट्टी कराना पड़े मुझे, इसलिए तरीके से कस के पकड़ लियो मोदी जी को। मम्मी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बहुत तरीके से और बहुत टाइट पकड़ के बैठा हूँ, मैं गिरूंगा नहीं, बस तुम संभाल के बैठी रहना। मैं तुमसे एक बात कहूँ मम्मी, अगर जो मेरी शादी में मोदी जी का ये जुगाड़ बुक कर लिया जाए, बारात जाने के लिए 20-25 लोग आराम से बैठ जाएंगे इस जुगाड़ में, और कोई टेंशन भी नहीं होगी, क्या कहती हो? सही कह रहा हूँ ना मैं? राहुल बेटा बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बार मोदी जी से पूछ के देख लो बुक करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर जो बुक कर लेते हैं तो अभी बुक करवा दो और बयाना दे दो इनको। मोदी जी मेरी शादी तय हो गई है 32 जून को, ये बताओ तुम मेरी शादी में अपना ये जुगाड़ बुक करोगे बारात ले जाने के लिए? अगर जो बुक करो तो बताओ, मैं तुम्हें अभी बयाना दे देता हूँ। देखो बेटा राहुल, मैं ये जुगाड़ बनाया हूँ पैसे कमाने के लिए, अब चाहे सवारियां ढोके पैसे कमाऊं और चाहे शादी में बुकिंग करके पैसा कमाऊं। लाओ तुम्हारी मैं शादी की बुकिंग आज ही कर लेता हूँ, लाओ बयाना दो। अरे अखिलेश जी ये बैगन कै रुपए किलो बेच रहे हो आप? आपके बैगन तो देखने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कै रुपए किलो आप बैगन बेच रहे हो ये? अखिलेश जी ये ताजे बैगन तो लेके आयो तुम बेचने के लिए, क्योंकि मैं पिछली बाजार बैगन खरीद के लेके चला गया था तो खराब सारे बैगन निकले थे, सारे पैसे मेरे बर्बाद हो गए। मोदी जी ताजे ताजे बैगन लेके आया हूँ अभी अपने खेत में से तोड़ के, बस 200 रुपए किलो ये बैगन बेच रहा हूँ। बताओ आपको कितने बैगन? तो 200 रुपए किलो बेच रहा हूँ ये बैगन में। अखिलेश जी 200 रुपए किलो बैगन, इतने महंगे बैगन आपने कब्जे कर दिए, पूरी बाजार में इतने महंगे बैगन कोई भी नहीं बेच रहा है, मगर आप 200 रुपए किलो बैगन क्यों बेच रहे हो इतने महंगे, सबसे अलग रेट? मोदी जी मुझे लग रहा है तुम नए बाजार में आए हो, पूरी बाजार में घूम के तो आओ, पहले घूम के तो आओ, मेरे जैसा कोई बैगन बेचता भी नहीं होगा पूरी बाजार में, चैलेंज से कह रहा हूं मैं, मेरे जैसा बैगन कोई भी नहीं बेच सकता, इसीलिए 200 रुपए किलो बेच रहा हूं मैं। अखिलेश जी थोड़ा सस्ता लगा दो, आपका बैगन मैं खरीद लूंगा, 1 किलो बैगन खरीद लूंगा, और मुझे बैगन की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए आपके पास बैगन खरीदने के लिए आया हूँ मैं। मोदी जी आप मुझसे ज्यादा जिद कर रहे हो, तो बस 150 रुपए किलो लगा सकता हूँ, 150 रुपए किलो से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा मैं, बस 150 रुपए ही। अखिलेश जी इसका मतलब आप रेट कम नहीं करोगे, चलो 250 ग्राम बैगन मुझे दे दो। और लालू जी ये मटर 1 रुपए किलो बेच रहे हो, जरा 250 ग्राम मटर दे दो मुझे। मोदी जी मटर तो हरी हरी ताजी लेके आया हूँ मैं, अभी बस आपको 100 रुपए किलो लगा दूंगा मटर, बताओ कितनी दे दूं? लालू जी 80 रुपए किलो अगर मटर दो तो 250 ग्राम दे दो,
250 ग्राम में आपसे खरीद लूंगा। और राहुल जी, करेले कैसे रखे हैं? हरे हरे करेले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके, करेले ही दे दो मुझे आधा किलो। मोदी जी, करेले खरीदने के लिए तो मेरे पास में आ गए तुम। लालू जी से भी तुमने राइड कर लिए और अखिलेश जी से भी कर लिए, आप मुझसे नहीं करोगे राइड? मुझसे भी कर लो, पहले ही बता देता हूँ 200 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं करेला। राहुल जी, आप तो पूरी बाजार में सबसे ज्यादा महंगे रेट में करेले बेच रहे हो और तुम तो मेरे गांव के हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे सही पैसे लगा लो, सही पैसे लगा लो, आधा किलो करेले खरीद लूंगा मैं। मोदी जी, मैंने पहले ही कह दिया था आपको 200 रुपए में खरीदना हो तो खरीदो, वरना मत खरीदो। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो 150 रुपए किलो लगा दूंगा, इससे 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा मैं करेलों का। तो राहुल जी, मैं करेले खरीदता थोड़ी नहीं, मगर आपके करेले मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत पसंद आ गए, इसीलिए आपके करेले खरीद के लेके जा रहा हूँ, वरना मैं खरीदता नहीं। अखिलेश, हम तो तुम्हारे ससुराल में आ गए हैं, लेकिन लग रहा है भैया चाय नाश्ते की व्यवस्था नहीं है, कोई चाय नाश्ता पूछने ही नहीं आया अभी तक। मोदी जी, चाय भी मिलेगा और नाश्ता भी मिलेगा, थोड़ा सा सब्र तो करो यार, चाय बनाने में टाइम लगता है कि नहीं लगता है? जैसे चाय बनेगी तुम्हारे सामने चाय भी आ जाएगी और नाश्ता भी आ जाएगा। अखिलेश भैया, मोदी जी तो हर वक्त भूखे ही रहते हैं, जहां भी जाएंगे बस चाय नाश्ते का इंतजार करने शुरू कर देंगे। अरे हम तो तुम्हारी साली का इंतजार कर रहे थे, एक बार दीदार हो जाता तो मन खुश हो जाता एकदम से। राहुल भैया, हमारी साली का तो दीदार होगा, लेकिन थोड़ा संभाल के दीदार करना, क्योंकि हमारी साली बहुत ही खतरनाक है, कहीं पीटना शुरू कर दे तुमको। अरे नहीं अखिलेश भैया, वो पीटेंगे नहीं हमें, क्योंकि हम बहुत पुराने समय से उनसे फोन पे बात करते रहते हैं, इसलिए वो हमारा इंतजार कर रही थी, कह रही थी जब जीजा जी आएंगे तो उनके साथ तुम भी चले आना, इसीलिए तो आया हूँ मैं तुम्हारे साथ। अखिलेश थोड़ा आवाज दो भाई, जल्दी लेके आए नाश्ता, यार हमको भूख लग रही है, बैठे बैठे इतनी देर हो गया और नाश्ता नहीं आया, आवाज तो दो एक बार, जल्दी से ले आए नाश्ता। हाँ हाँ मोदी जी, आवाज दे रहा हूँ, अभी नाश्ता आ जाता। लो आ ही गया नाश्ता, देखो हमारी लुगाई भी आ रही है और साथ में हमारी साली भी आ रही है। लो खाओ नाश्ता, खाओ और चाय पियो। और जी कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? तुमको हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आती है, इसीलिए तुम आए नहीं इतने दिन से। मैं इतने दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम्हारी याद में मैं पागल हुई जा रही थी कि कब आए और कब हम उनको देख लें। काजल डार्लिंग, हमको भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन क्या करें, घर पे इतना काम है, चार चार भैंसे हैं, उनको चारा लाना, खिलाना, दूध निकालना, इसी में टाइम ही नहीं मिलता था तुम्हारे पास आने का। अब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो तुमसे मिल ही आता हूँ। राहुल जी, अगर जो जीजा जी नहीं आते तो तुम हमसे बिल्कुल मिलने ही नहीं आते। हमको तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, तुम्हारे याद में इतनी पागल हुई जा रही थी कि दिल कर रहा था तुम्हारे गांव में ही आके मिल लूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर थी। काजल डार्लिंग, हमको भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम्हारे यादों में पागल हुआ जा रहा था, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे जीजा जी आ ही नहीं रहे थे। जब वो नहीं आते तो मैं कैसे यहाँ आ जाता, तुम ही बताओ जरा। जी लेकिन तुम मुझे जल्दी भगा के लेके चलो यहाँ से, अब तुम्हारे बगैर मैं एक पल नहीं जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए कैसे भी करके मुझे यहाँ से लेके चलो। अरे राजभर भैया, क्या हो गया, कैसे मुंह फुला के बैठे हो, कोई बात हो गई है तो हमें बताओ यार, हम उसको सॉल्व करवाते हैं। मोदी जी, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, हमको चाय मिला, ना नाश्ता मिला, ना पानी मिला, तुमको तो कम से कम चाय भी मिल गया है, और ये दोनों अपनी अपनी सेटिंग से लगे हुए हैं बात करने में, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो नाराज नहीं होऊंगा? राजभर भैया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो यार, मैं बोलता हूं लोगों को कि तुम्हारे लिए भी चाय नाश्ते का व्यवस्था करे, ऐसे कैसे चलेगा। अरे अखिलेश, मोदी जी का गला क्यों दबा रखे हो यार, छोड़ दो, कहीं मर मरा जाए तो लेने के देने पर जाएंगे। नहीं मोदी जी, आज मैं योगी जी को छोड़ूंगा नहीं, आज मैं इनका गला दबा के इनको मार ही डालूंगा। बताओ, कल ये मुझसे साइकिल मांगने आए, बोले मुझे साइकिल दे दो, बाजार जाना, मैंने इनको प्यार से साइकिल दे दिया, अभी मेरी साइकिल बाजार में लेके गए, एक्सीडेंट करके तोड़ के वहीं पे फेंक के चले आए, इनको इतना भी नहीं कि मेरी साइकिल मेरे घर पे लेके आके दे के जाए। ये बात तो बिल्कुल गलत है योगी जी, सरासर गलती तुम्हारी है, जब तुमने अखिलेश से साइकिल मांगी थी और तुम्हें साइकिल दे दिए थे बाजार जाने के लिए, तो तुम उनकी साइकिल उनके घर पे लौटा देते, कम से कम एक्सीडेंट हो गया तो बनवा के दे देते, फेंकने की क्या जरूरत थी वहाँ पे। मोदी जी एक चीज ये बताओ, मेरी साइकिल तो वहाँ बाजार में तोड़ के फेंक के चले आए, अब बताओ पता नहीं किसकी नई साइकिल लेके घूम रहे हैं, इसको भी तोड़ के फेंक देंगे कहीं पे, मेरा तो दिल कर रहा है इनको और ही कूटूं यहीं पे। अरे अखिलेश भाई, मेरा गला छोड़ो यार, मेरा दम घुट रहा है, मैंने तुम्हारी साइकिल नहीं तोड़ी है, किसी और ने तोड़ी है, मेरा गला छोड़ो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ किसने तोड़ी है। अब देख रहे हो मोदी जी क्या बहाने लगा रहे हैं, साइकिल ये मांग के लेके गए रहे, अब कह रहे हैं किसी और ने तोड़ी है, मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा।
अरे अखिलेश, पहले योगी जी का गला तो छोड़ो, सुन तो लो वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि किसने साइकिल तोड़ी है, उन्होंने तोड़ी है कि किसी और ने तोड़ी है, पहले उनकी बात तो सुनो। तुम तो गला ही दबाए जा रहे हो यार। ठीक है मोदी जी, तुम कह रहे हो तो मैं योगी जी का गला छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, दबाए रखता। लो छोड़ दिया योगी जी, अब बताओ किसने मेरी साइकिल तोड़ी है। अखिलेश, जब मैं कल तुमसे साइकिल लेके बाजार गया था, तो मैं जब बाजार पहुंचा तो वहां पे एक आदमी अपनी साइकिल सस्ते दामों में बेच रहा था, तो मेरे पास पैसे थे, मैंने इसलिए ये साइकिल खरीद ली। इतने में मेरी नज़र केजरीवाल और राहुल पे पड़ी, तो मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला ये अखिलेश की साइकिल है, तुम लोग पैदल आए हो तो इसको लेके चले जाओ, अखिलेश को दे देना। पर योगी जी, ये लोग तो मुझे सुबह लेके आए हैं साइकिल देने, वो भी टूटी हुई साइकिल। राहुल मुझसे बोलने लगा योगी जी ने साइकिल का एक्सीडेंट करके तोड़ दिया और मुझे दिए हैं कि ले जाके अखिलेश को दे आओ, तो ये तो मुझसे ये बात कह रहा और तुम कह रहे हो मैंने साइकिल तोड़ी नहीं है। अरे अखिलेश, पहले मेरी पूरी बात सुनो। जब मैंने इन लोगों को साइकिल दिया तो राहुल मुझसे बोला साइकिल इसी शर्त पे ले जाऊंगा, पहले 100 रुपए दो, दारू पीऊंगा, उसके बाद साइकिल लेके जाऊंगा। ये लोग रास्ते में दारू पी और नशे में होके तुम्हारी साइकिल तोड़ के और तुम्हें देने आए और नाम मेरा लगा दिए। अरे नहीं नहीं अखिलेश भैया, साइकिल मैंने नहीं तोड़ी है, साइकिल तो राहुल ने तोड़ी है, क्योंकि राहुल 3-3 cc दारू पी रखा था और साइकिल खुद ही चला रहा था इधर उधर करके, और लेके गड्ढे में गिर गया, इसलिए तुम्हारी साइकिल टूट गई। केजरीवाल, मेरा नाम तो लगाओ मत, ठीक है? दारू पीना स्टार्ट पहले तुमने किया था, फिर मुझे पिलाना शुरू कर दिया, अब मैं पीते पीते ज्यादा नशे में हो गया तो साइकिल लेके गड्ढे में गिर गया, अब जब गड्ढे में गिरा तो वहाँ साइकिल टूट गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है यार? देखो, गलती किसी की भी हो, लेकिन नुकसान अखिलेश का हुआ है, अखिलेश की साइकिल टूटी है, इसलिए केजरीवाल, राहुल और योगी जी तुम तीनों मिलके पैसे दो और लाओ, मैं अखिलेश की साइकिल बनाता हूँ, फालतू में झगड़ा मत करो। अरे बहन सोनिया जी, आज तो तुमने बहुत सारी सब्जी बनाकर रख दी है, ताजी ताजी। अरे इतनी अकलो तुमने सब्जी बनाकर रख दी है, ये शाम लोग गर्मी में बेकार नहीं हो जाएगी? थोड़ी कम बना लेती सब्जी। लालू जी, ये ज्यादा सब्जी थोड़ी नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने ये ताजी ताजी सब्जी बनाई है, मेहनत करके तुम काम करके दोपहर में खाना खाने के लिए आयो, सारी सब्जी खत्म कर दो, सारी सब्जी खा जाओ, क्योंकि इतनी सी सब्जी है, ज्यादा थोड़ी नहीं बनाई है मैंने। वैसे बहन सोनिया जी, ये जो आलू तुमने रसीले रसीले बनाए, ये तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़े और दो, थोड़े और दो, मुझे जरा डालना मेरी प्लेट में, ये आलू रसीले वाले आलू दे दो मुझे, जरा थोड़े से उतार के, रसीले वाले आलू बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। मोदी जी, ये लो खाओ खाओ, अरे ये रसीले आलू मैंने आप लोगों के लिए तो ही बनाए, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, ये रसीले आलू तुम ही खा जाओ, सब सब आप लोगों के लिए बनाए मैंने, शाम तक जरा सी भी सब्जी बचने नहीं चाहिए, आप लोगों के लिए ताजी ताजी बनाई, मेरे बेटे राहुल तुझे भी दूं बता। मम्मी जी, तुम्हें क्या बताऊं, मुझसे तो इतने ही चावल नहीं खा मिल रहे, पता नहीं क्या हो गया, आज मुझसे खाना खाई नहीं मिल रहा है, कतई भी नहीं खा मिल रहा, ऐसा लग रहा है कि दिल भर गया हो खाते खाते। मेरी बेटी, अगर तुझसे रसीले आलू नहीं खा मिलती हो तो ये मटर पनीर खा ले, ये मटर पनीर भी मैंने ताजा ताजा बनाया है तेरे लिए, तेरी मनपसंद मटर पनीर भी बनाई है मैंने। अरे मम्मी जी, लाओ लाओ मटर पनीर, मुझे दो उतार के मेरी प्लेट में मटर पनीर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप इतनी देर से मटर पनीर उतार के क्यों नहीं दे रही थी मुझे? बहन सोनिया जी, मटर पनीर जरा थोड़ा सा मुझे भी डाल देना, और ये रसीले रसीले आलू के 2 चम्मच भर के मेरी प्लेट के अंदर डाल दो, क्योंकि रसीले आलू की तो बात ही कुछ और होती, बहुत मजा दे रहे हैं रसीले आलू। अखिलेश जी, ये लो आपको भी दे रही हूँ मैं मटर पनीर और रसीले आलू, खाओ खाओ, ये सारे रसीले आलू खत्म कर देना, और ये मटर पनीर बाकी मैं आपके लिए गाजर का हलवा ताजा बना कर ला रही हूँ उतार के आप लोगों के लिए। बहन सोनिया जी, आपने गाजर का हलवा भी बनाया? गाजर का हलवा, तभी तो कहूँ कि खुशबू कहाँ से आ रही है, अरे आपने ही बनाया और हमें पता नहीं। मोदी जी, ये लो खाओ खाओ, गाजर का भी हलवा ताजा ताजा मैंने अभी बनाया है। अरे बहन सोनिया जी, आज तो खाना खाकर मजा आ गया, पेट भर गया हम चारों लोगों का, और भाई लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।